एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में। और आज भाई हम और आप एक्चुअली ट्रेवल करने वाले हैं आर आर टी एस ट्रेन के अंदर एज अ पैसेंजर। जी, इसी वजह से तुम्हारा भाई साहिबाबाद में आया है। ये जो सर्विस है आर आर टी एस की, इसका डे वन से कंस्ट्रक्शन हमने आपने देखा है, किस तरीके से इसका ट्रेन आया, किस तरीके से उसके कोचेस आए, वो सभी हमने और आपने देखा भी है, एक्सपीरियंस किया था जब ये ओपन हुआ था। तो लेकिन हाँ, उस दिन पे नहीं यार, बहुत सारी भीड़ थी, तो सच बताऊँ तो एज अ पैसेंजर मैं वो फील नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारा भाई वापस आया है इसमें ट्रेवल करने के लिए। तो आज बेसिकली हम और आप ट्रेवल करेंगे इस ट्रेन के अंदर और जानेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो जो सुविधाएं आपको मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो तो कमाल का है। जी, तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है। स्टेशन पे एंट्री करोगे तो मोदी साहब का कटआउट भी लगा है यहाँ पे ना, आप मोदी साहब के साथ फ़ोटो भी ले सकते हो। साथ ही साथ एक और कटआउट लगा है जिसके अंदर आप खड़े होके आराम से सेल्फी ले सकते हो। और यहाँ पर ट्रेन का भी कटआउट लगा रखा है, इसी ट्रेन के अंदर हम और आप चलने वाले हैं बेसिकली। तो वैसे टिकट लेने के दो ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस है, एक तो वेंडिंग मशीन है जिस वेंडिंग मशीन के जरिए भी आप टिकट ले सकते हो और साथ ही साथ यहाँ काउंटर से भी ले सकते हो। लेकिन भाई मैं यहाँ पर लाइन में लग के ना ये काम नहीं करने वाला हूँ, यानी कि मैं टिकट लूँगा लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इनके सबसे कमाल के ऑप्शन का जिसकी मदद से मैं टिकट लेने वाला हूँ, और वो है इनका आर आर टी एस कनेक्ट करके ऐप, जिस ऐप के जरिए आप टिकट ले सकते हो। स्टेशन पहुँचने के 300 मीटर पहले ही आप बुक कर सकते हो टिकट को ऐप की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप जहाँ भी उतरना चाहते हो आप उतर सकते हो। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अभी तक का जो मेथड है वो तो यही है भाई कि आप या तो कार्ड ले लो या टिकट ले लो, ठीक है, काउंटर से या फिर वेंडिंग मशीन से। लेकिन अब ये जो ऐप है, इस ऐप के जरिए आप ले सकते हो। इस ऐप में आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी वॉलेट है ना उस वॉलेट से ही पैसा डिडक्ट हो जाएगा, बस इस ऐप से आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है। और यही ऑप्शन आज मैं ऑप्ट करने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट है ये। एक तो झंझट नहीं है, मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से टिकट लूँगा ना तो मैं जिस स्टेशन तक लूँगा मैं वहीं तक ट्रेवल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐप की मदद से ऐसा नहीं होने वाला है, ऐप की मदद से मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ वो मैं जा सकता हूँ। मान लो मैं इस वक्त पे हूँ साहिबाबाद पे और मुझे आगे वैसे जाना है दुहाई डिपो तक, लेकिन अगर मुझे किसी फ्रेंड का कॉल आएगा नहीं तू मेरठ आ जा, तो भाई फिर तो मैं सोचूंगा नहीं यार, मेरे पास तो टिकट जो मैंने लिया था वो तो सिर्फ दुहाई डिपो तक का था, अब मुझे मेरठ आने के लिए वापस से टिकट लेना पड़ेगा। ऐप अगर आपके पास है तो ऐप में ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आपके फ्रेंड ने बोला मेरठ आ जाओ, आप बोलोगे आ रहा हूँ भाई, क्योंकि ऐप है ना भाई, ऐप में क्यूआर कोड जनरेट कर रखा है, जहाँ भी एग्जिट करोगे पैसा डिडक्ट हो जाएगा, जितनी सर्विस इस्तेमाल करोगे उतना पैसा डिडक्ट, और जितने स्टेशन तक आपने सर्विस इस्तेमाल किया है उतने स्टेशन का ही पैसा डिडक्ट होने वाला है, समझ रहे हो ना, बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो ऐप कैसे काम करता है वो बताता हूँ आपको। तो मैंने अपने फ़ोन में पहले से ही ये ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है भाई, और इस ऐप का नाम है आर आर टी एस कनेक्ट। तो इस ऐप को मैं ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं साहिबाबाद स्टेशन पर हूँ, तो ऑलरेडी इसने साहिबाबाद स्टेशन जो है वो पिक कर लिया है, और ऊपर देखोगे तो ये है साहिबाबाद, इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है वन टैप बुकिंग। अब मैं इस पर करूँगा क्लिक, अब ये हो गया ओपन, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन सा स्टेशन है। मैंने अपने पेटीएम वॉलेट ऐड कर रखा है तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, मिनिमम 100 रुपये का बैलेंस होना चाहिए, वो ऑलरेडी है भाई। अब बस मुझे क्या करना है, स्टार्ट योर जर्नी पे क्लिक करना है, और मैंने कर दिया स्टार्ट योर जर्नी पे क्लिक, और मेरा हो जाएगा टिकट जनरेट। ये लो भाई, हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका टिकट जनरेट हो चुका है। मतलब ये जो क्यूआर कोड देख रहे हो यही मेरा टिकट है, अब मुझे इस क्यूआर कोड को जाकर दिखाना है और बस मैं एंटर कर जाऊंगा। किधर दिखाना है वो बताता हूँ आपको, चलो चलते हैं। आप इंटर कर जाते हो तो क्या कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगी वो बताता हूँ। वॉशरूम की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी स्टेशन के ऊपर, जो कि फ्री है, और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी है वो भी उपलब्ध है और वो भी फ्री है। तो
राइट हैंड साइड में ये जो स्टेयर्स है ये आपको मेरठ की तरफ लेकर जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो स्टेयर्स है ये आपको दिल्ली को लेकर जाएगी, गुड़गांव को लेकर जाएगी, अलवर को लेकर जाएगी। ये जो कॉन्टोर्स का एरिया है, इस जगह पर भी देखोगे तो वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इस वेंडिंग मशीन में आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है, QR कोड स्कैन करो, जो भी कुछ खाने पीने का सामान है वो आप ले सकते हो। ऊपर हमें और आपको प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा और ट्रेन के अंदर भी, तो वो अभी चलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत जो रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है स्टेशन का, उसका मॉड्यूलर यहाँ पर देखेगा आपको। तो ये यहाँ पर देखोगे तो 3D मॉडल रखा गया है। PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होने वाला है उसी का 3D मॉडल है ये। सामने ये जो देख रहे हो ये है सराय काले खां का RRTS स्टेशन। इसी जगह पर ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन जो है उससे सराय काले खां को कनेक्ट किया जाएगा फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ जो मेट्रो स्टेशन है उससे भी कनेक्टिविटी मिलेगी फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से, वो भी दिखाया गया है। तो ये एक पूरा 3D मॉडल है कि किस तरीके से हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सराय काले खां का जो स्टेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि जो 3 लाइन है जो प्रपोज्ड है Package 1 के अंदर, Phase 1 के अंदर, एक जो कि दिल्ली से मेरठ है जिसके ऊपर हम इस वक्त पे हैं, दूसरा है दिल्ली से अलवर वाया गुड़गांव रेवाड़ी होते हुए, और तीसरा है दिल्ली से पानीपत, और उन तीनों का जंक्शन होने वाला है सराय काले खां जो कि दिल्ली में है। यहीं से इन तीनों लाइनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वक्त मैं हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। वैसे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड का है, हमें तो जाना है प्रीमियम में। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पीछे डिस्प्ले बोर्ड भी लगा है, इस पर दिखा रहा है कि कितनी देर में ट्रेन आने वाली है। ये जो पूरा ट्रेन है इसमें 6 डब्बे हैं। फर्स्ट जो है वो प्रीमियम कैटेगरी के लिए, उसके बाद जो स्टैंडर्ड में आपको 5 मिलते हैं, 5 में से 1 महिलाओं के लिए, उसके बाद 4 वो सबके लिए, भाई कोई भी इंटर कर सकता है। तो हमें और आपको चलना है प्रीमियम में, और वो है सबसे आगे, तो हमें और आपको वॉक करके आगे चलना पड़ेगा। और वैसे अब हमारी जो ट्रेन का टाइम है वो 4 मिनट में आएगी, चलो चलते हैं भाई। वैसे जब आप प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको एक और एंट्री गेट दिखेगा जिस पे आपको टिकट दिखाना है, और वो इस वजह से क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी की जब आप टिकट लोगे तो आपको वापस से उसी टिकट को फिर से दिखाना पड़ेगा, और फिर ये गेट खुलेगा और आप प्रीमियम कैटेगरी का जो सेक्शन है वहाँ पर एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद प्रीमियम जो कोच है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। जी, जो लोग प्रीमियम कोच में रहेंगे वो स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते, स्टैंडर्ड वाले प्रीमियम में नहीं आ सकते हैं। तो एक बार फिर से मुझे अपने ऐप को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और ऐप की मदद से QR कोड को मैं यहाँ दिखाऊंगा, और गेट खुल गया भाई। और अब हम इंतज़ार करेंगे ट्रेन के आने का, जो कि 3 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे ही ट्रेन आएगी, उसके ट्रेन के रुकने के बाद ये स्क्रीन डोर जो लगाए गए हैं, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ये खुलेगा भाई। उसके बाद हमें और आपको बटन प्रेस करना है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ऑटोमेटिकली इसका डोर खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेन बनाई गई है RRTS की, ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बनाई गई, तो एनर्जी को सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि जब आपको ट्रेन में एंटर करना हो आप उस बटन को प्रेस कीजिए और ट्रेन के अंदर एंटर कर जाइए। वो भी आपका भाई दिखाएगा कि कैसे एंटर करना है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये जो स्क्रीन डोर है ना भाई, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया है, ताकि कोई गलती से ट्रैक पर ना आ जाए। और तो और यहाँ पर देखोगे तो ब्रांडिंग भी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो, एक ब्रांडिंग का भी ऑप्शन दे दिया है NCRTC ने, ये सही है। ये स्क्रीन डोर तो वैसे मैंने देखे थे मेट्रो में भी, लेकिन ये वाला ऑप्शन ये बेस्ट है भाई। डिजिटल ब्रांडिंग होगी अब यहाँ पर कंपनी होगी, है। वैसे मैं बताऊं तो ये जो ऐप वाला फैसिलिटी दिया ना, ये बहुत सही है भाई, और जो लोग डेली ट्रेवल करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल बहुत कम रूट पर ये अवेलेबल है, ये जो RRTS की सर्विस है, लेकिन आज से 5-10 साल बाद जब ये सभी रूट पे अवेलेबल होगा ना भाई, आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है। अब मान लो आप गाजियाबाद में और जाना है गुड़गांव, और फ्रेंड का फ़ोन आया अलवर से कि भाई अलवर आ जा, या फ्रेंड का फ़ोन आ गया भाई पानीपत से कि भाई पानीपत आ जा, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैंने तो टिकट या टोकन तो सिर्फ गुड़गांव तक का ही लिया था, आप आराम से चले जाओगे। तो ये ऐप वाला फैसिलिटी बहुत यूज़फुल होने वाला है डेली कम्यूटर्स के लिए, और मेरे लिए भी है भाई, और मैंने भी डाउनलोड कर लिया इसीलिए। तो भाई फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो आ गई है भाई। अब ये जैसे ही ट्रेन रुकेगी ना, ये गेट पहले खुलेगा, उसके बाद ट्रेन का जो डोर है वो हम और आप ओपन करेंगे, ये फैसिलिटी इसमें मिलती है। तो हमारा जो डब्बा होने वाला है ये होने वाला है सबसे पहले वाला, ये देख रहे हो, अभी ये आके लगेगा यहाँ पर।
इसका जो गेट है दोस्तों, यहाँ पर गेट के पास एक बटन होता है जिसको प्रेस करने के बाद आपको एंट्री मिलेगी। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, लेकिन ट्रेन का जो डोर है उसको ओपन करने के लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा जैसे ग्रीन लाइट जलेगी तो, और फिर गेट ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप ट्रेन में एंटर कर सकते हैं। तो अब हम और आप अंदर आ चुके हैं ट्रेन के, और अब फाइनली ये जो डोर है ये क्लोज होगा। भाई ये डोर तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई बटन वटन प्रेस नहीं करना है, वो जो हमारे पायलट है ना वो कर देंगे, समझ लो। ये बंद हो रहे हैं, अभी देखो अनाउंसमेंट भी हो रहा है। अब डोर क्लोज हो चुका है, ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार है। इस जगह पर आपको स्टेशन की डिटेल दिखेगी इस स्क्रीन पे। साहिबाबाद पे हम और आप है, इसके बाद आएगा गाजियाबाद, फिर गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो। ये पांच स्टेशन है जिसको हम और आप ट्रेवल करने वाले हैं, और आने वाले कुछ ही महीनों में ना इसमें और भी स्टेशन ऐड हो जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तेजी के साथ चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फाइनली ट्रेन अब रवाना हो चुकी है भाई, तो चलो मैं अपना सीट ले लेता हूँ और आराम से ट्रेवल करते हुए चलते हैं। इस ट्रेन के अंदर मैं एज ए पैसेंजर आया हूँ तो आज सारी सर्विस इस्तेमाल करूँगा, और सबसे पहली सर्विस जो इस्तेमाल करने वाला हूँ ना वो ट्रेन के अंदर जो ये वेंडिंग मशीन रखी है ना जिससे खाने पीने का सामान आप ले सकते हो, वो लेने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना तो इसमें सामान रखने के लिए ये रैक भी दिया गया है जिसपे आप अपने सामान को रख सकते हो, अगर आपके पास सामान है तो ये अच्छा है। और साथ ही साथ प्रीमियम वाले कैटेगरी में हम और आप एंटर किए तो इसलिए प्रीमियम वाले में और भी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उन सभी फैसिलिटी को एक्सप्लेन करने से पहले तुम्हारा भाई सबसे पहले पेट पूजा करेगा। और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है वेंडिंग मशीन में। तो इसके अंदर खाने पीने का सामान रखा हुआ है भाई, वैसे अगर आपको बताऊं तो इसमें हमारे आपकी जरूरत की सारी चीज़ें, पीने के लिए आपके पास जूस भी है भाई, यहाँ पे कुकीज़ भी रखे गए हैं और साथ ही साथ पीनट्स भी रखे हैं भाई। इसमें से कुछ भी सामान लेना तो ये भाई डिजिटल है पूरा, समझ लो डिजिटल इंडिया। आपको अपने ऐप जो भी, चाहे वो पेटीएम हो या गूगल पे हो, उससे क्यूआर कोड को स्कैन करो और जो भी सामान चाहिए उतना अमाउंट पे करो और सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पर इस जगह पर, ये देख लो नीचे आएगा, और आप अपने सामान को लेकर और फिर आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो, खाते पीते मतलब आगे जा सकते हो। ये वाला जो फैसिलिटी है खाने पीने की जो फैसिलिटी है ना, ये जब आप प्रीमियम कैटेगरी में आते हो तो ही आपको मिलता है, स्टैंडर्ड में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड वाले लोगों को ये खाने पीने का जो सामान अगर लेना है उनको तो वो कॉन्कोर्स एरिया पे मिलता है। ट्रेन के अंदर जब आप बैठोगे ना तो आपकी सीट से भी डिस्प्ले बोर्ड पे दिखता रहता है कि कितनी स्पीड में ये ट्रेन जो है वो दौड़ रही है, और आप जब ट्रेवल करोगे तो ये सोचना कि पिलर के ऊपर 100 से भी अधिक किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ती है ट्रेन जी। और जब आप बैठते हो तो फील नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है, इस डिस्प्ले बोर्ड पर आपको दिखेगा कि कितनी स्पीड से ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। वैसे गाजियाबाद का स्टेशन आ चुका है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि दरवाजे खुलेंगे तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर खुलेगा और उसके बाद यहाँ पर ना ग्रीन लाइट जल जाएगी, जिसका मतलब ये कि ट्रेन को डिबोर्ड करना, तो आप इस बटन को प्रेस करना और उसके बाद आप डिबोर्ड कर सकते हो। वैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे मुझे गाजियाबाद पे तो नहीं उतरना है भाई, मैं चाहूँ तो उतर सकता हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही ट्रेवल कर लेता हूँ। तो अभी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर पहले खुलेगा और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगी, जिसका मतलब ये है कि मैं बटन को प्रेस करके एग्जिट ले सकता हूँ ट्रेन से। तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर खुलने के साथ ही यहाँ पर देखो ग्रीन लाइट जल गई है। अब मुझे अगर ट्रेन से डिबोर्ड करना है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, अगर मुझे नहीं करना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बस अब जैसे ये ग्रीन लाइट जलना बंद हो जाएगा तब आप दरवाजे को नहीं खोल सकते, इस बटन को प्रेस करोगे नहीं खुलने वाला है ये देखो ये नहीं खुलेगा अब, क्यों? क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है दरवाजे खुलने का, क्योंकि ट्रेन अब चलने को तैयार है। 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ी है भाई, और वो भी पिलर के ऊपर, एलिवेटेड हिस्सा है ये। आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि अपने देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितना बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, जहां पर पिलर के ऊपर ट्रेन दौड़ रही है और वो भी 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इसी के साथ हम और आप पहुंच चुके हैं गुलधर
RRTS स्टेशन पे। तो जब आप प्रीमियम में ट्रेवल करते हो ना, तो स्टैंडर्ड के मुकाबले आपको तो एक ये फुट रेस्ट भी मिलता है, साथ ही साथ फूड वेंडिंग मशीन का मैंने आपको बताया है, आपको वाटर बोतल होल्डर भी मिलता है, साथ ही साथ एक पॉकेट भी मिलता है जिसमें आप अपने सामान को रख सकते हो, साथ ही साथ आप अपने कोट को हैंग कर सको। उसके लिए आपके सीट के ठीक सामने यहाँ पर हैंगर्स दिया गया है, और तो और चार्जिंग पॉइंट्स ये तो पूरी ट्रेन में अवेलेबल है जी, क्योंकि नए भारत का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। चार्जिंग पॉइंट्स आपको मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप का भी मिलता है, इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो ये प्लग भी दिया गया और साथ ही साथ USB सॉकेट भी दिया गया, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने लैपटॉप और मोबाइल एक ही साथ चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ प्रीमियम कैटेगरी में अगर आप ट्रेवल करते हो तो आपको यहाँ पर ब्लाइंड्स भी मिलते हैं, मतलब अगर मान लो कि ज़्यादा सनलाइट आ रही है आपके फेस पे तो आप यहाँ पर इसको नीचे कर सकते हो कुछ इस तरीके से जी, और उसके बाद आसानी से आप ट्रेवल कर सकते हो। और हाँ, ये जो सीट है ना भाई, इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो और आराम से सो सकते हो। इस वक्त मैं हूँ स्टैंडर्ड कैटेगरी का जो कोच है उसके अंदर। यहाँ पर भी आपको बेसिक फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट्स, सामान रखने के लिए रैक, और साथ ही साथ सिटिंग एरिया भी अच्छा खासा है भाई। लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट सिटिंग एरिया है ना इस स्टैंडर्ड कोच के अंदर, वो दिखाता हूँ आपको, और वो है ये, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा स्पेस मिलता है, आराम से बैठ के पैर ऊपर करके ट्रेवल कर सकते हो, और सामने विंडो से ना आपको मस्त नज़ारा दिखेगा। यस, इसलिए मैंने इस सीट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मैं जब भी ट्रेवल करूँगा ना यही वाला सीट है भाई। वैसे अगर आप देखोगे तो मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी इस ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सके, उसका भी प्रोविजन दिया है NCRTC ने। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर व्हीलचेयर रखने की फैसिलिटी दी गई है, साथ ही साथ स्ट्रेचर रखने की भी फैसिलिटी दी गई है। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये स्ट्रेचर भी आप रख सकते हो और व्हीलचेयर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये जो सर्विस NCRTC ने प्रोवाइड किया है, ये नेक्स्ट लेवल है भाई, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी इस ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारा टाइम बचेगा पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में। और ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ना भाई, इसके लिए NCRTC को हैंड्स ऑफ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जितनी भी आप फैसिलिटी इस ट्रेन के अंदर देखते हैं उनमें से सबसे ऊपर ये है, क्योंकि ये किसी के जीवन और मौत का सवाल बन सकता है, क्योंकि इसमें तय वक्त पर वो एक जगह से दूसरी जगह पर पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी सच में बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो चलिए भाई, फाइनली हम और आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, और ये है स्टेशन दुहाई डिपो, जहां पर ट्रेन अब पहुंचने ही वाली है। 5 स्टेशन को ट्रेवल करने में लगे हैं 11 मिनट, मतलब 11 मिनट में मैंने ट्रेवल किया है कितने किलोमीटर, 17 किलोमीटर भाई, और उसी में टॉप स्पीड गया था 147 किलोमीटर प्रति घंटे का। सच बता रहा हूँ, ये कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, और आ चुका है दुहाई डिपो। तो फाइनली हम और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, ये है दुहाई डिपो स्टेशन, और इस जगह पर अब ये ट्रेन टर्मिनेट हो रही है। वैसे जब ये मेरठ का हिस्सा पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी ट्रेन से आप मेरठ पहुंच जाओगे, तो 17 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 11 मिनट लग रहे हैं, तो भाई आप ही काउंट कर लो कि 80 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, और जितना NCRTC कह रही ना उतना ही लगेगा भाई, एक घंटे से भी कम वक्त में आप दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ पहुंच जाओगे जी। और ट्रेन में फैसिलिटी तो कमाल की मिली रही है, खाने पीने का पूरा सामान है, और प्लस रिक्लाइनिंग सीट है, तो आराम से रेस्ट करके भी जा सकते हो, है ना, मस्त नींद आएगी। और हाँ, जब भी ट्रेवल करना ना तो बटन प्रेस करके गेट खोलना मत भूलना, इस वाले बटन को। अभी तो क्या है, ये ट्रेन यहीं टर्मिनेट हो गई तो डोर ओपन है, ताकि सभी पैसेंजर जो है वो यहाँ से उतर जाएं और फिर जहाँ भी उनको जाना जा सके। लेकिन जब आपको एंटर करना होगा तो इस बटन को प्रेस करना, जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया है, अदरवाइज ना मोस्टली लोग वेट करते हैं कि दरवाज़ा खुलेगा फिर मैं जाऊँगा। नहीं भाई, अब आप आत्मनिर्भर बनो, खुद से डोर ओपन करो और एंटर करो और ट्रेवल करो आराम से। तो चलो, जर्नी समाप्त हुई है। एक बार फिर से मुझे ऐप को खोलना पड़ेगा और QR कोड दिखाना पड़ेगा इस जगह पर, ताकि ये गेट खुल सके और हम और आप एग्जिट कर सकें। चलो, खुल गया सिम।
तो ये था पूरा प्रोसेस। ये ऐप बहुत कमाल का है, इस ऐप से ना जहाँ भी आप जाना चाहते हो जा सकते हो। स्टेशन पहुँचने से पहले आप टिकट भी बुक कर सकते हो, अगर स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में आ गए हो तो आप ये QR कोड जनरेट कर लेना भाई, और उसके बाद इसी QR कोड को दिखा के आप इंटर भी कर जाओगे और एग्जिट भी कर जाओगे जहाँ भी एग्जिट करना है। आज तो बेशक आपको 5 स्टेशन पर सर्विस मिल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ना ये 50 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, और फिर उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे जी। तो ये ऐप आपके हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो इसे डाउनलोड ज़रूर कर लेना जब RRTS में ट्रेवल करना हो तो, बहुत यूज़फुल है, टाइम बहुत बचाता है। क्योंकि यार देखो लाइन में लगना नहीं पड़ता ना टिकट के, और ख़ासकर वो कार्ड भी नहीं लेना पड़ता, नहीं तो एक कार्ड लो उसको संभाल के रखो, खो गया तो अलग टेंशन है। ये फ़ोन का ऐप सही है भाई, फ़ोन सबके पास है, ऐप बस इंस्टॉल करना है। और अच्छी बात यह है कि वॉलेट भी क्रिएट नहीं करना, जो वॉलेट एग्जिस्टिंग है जैसे कि Paytm उसको लिंक करो और उसी से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरा पैसा डिडक्ट हो गया भाई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, जल्दी मिलता हूँ आपसे। RRTS का अपडेट भी देना है आपको, जी हाँ, इसके आगे वाले हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, मिलता हूँ जल्दी आपसे।